राजनीति विज्ञान विषय में आज हम प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, सहायक अध्यापक नागरिक शास्त्र, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान और ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है, यानी कि कौन सा विचारक युद्ध को विदेश नीति मानता है। इसके विकल्प हैं कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज़, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है क्विंसी राइट, चौथा विकल्प है ह्यूगो क्लॉजेविट्ज़। इसका सही उत्तर है कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज़। कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज़ ने युद्ध को विदेश नीति माना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। इसके विकल्प हैं हनुमंत राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, दंतवाला कमेटी। इसका सही उत्तर है दंतवाला कमेटी। पंचायती राज में ब्लॉक स्तरीय योजना का समर्थन दंतेवाले कमेटी ने की थी। दूसरा विकल्प घ यहाँ पर सही है दूसरे का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी कि यहाँ पर संविधान सभा की कुछ समितियाँ दी हुई हैं, हमें बताना है किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके विकल्प हैं पहला है संचालन समिति, दूसरा है संघ शक्तियाँ समिति, तीसरा है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति, चौथा है प्रांतीय संविधान समिति। इसका सही उत्तर है संघ शक्तियाँ समिति, यानी कि विकल्प ख सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन प्रकार के तत्व होते हैं। पहला तथ्यात्मक, दूसरा अनियमित, तीसरा मूल्यात्मक। इसके विकल्प हैं लियो स्ट्रॉस, डनिंग, जी एच सेबाइन, एबेनस्टीन। इसका सही उत्तर है जी एच सेबाइन। जी एच सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत के तीन तत्व बताए हैं, जिसमें तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक हैं। पांचवा प्रश्न है, किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। यानी कि वह कौन सा विचारक है जिसने हिस्टोरियल एस्पेक्ट के आधार पर एकत्ववादी सिद्धांत को अनुचित बताया। इसके विकल्प हैं बार्कर, लियान डिग्वी, मैकाइबर, सर हेनरी मैन। इसका सही उत्तर है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत, जबकि जॉन ऑस्टिन ने दिया था, उसकी ऐतिहासिक आधार पर आलोचना करते हैं। छठा प्रश्न है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। इसके विकल्प हैं व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। व्यक्ति को अनावश्यक बुराई मानने वाले विचारक अराजकतावादी कहलाते हैं, जबकि व्यक्ति को आवश्यक बुराई मानने वाले विचारकों को हम व्यक्तिवाद या उदारवादी विचारक कहते हैं। यहाँ पर राज्य को अनावश्यक बुराई मानने वाले जो विचारक हैं वह अराजकतावादी हैं। विकल्प ख सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके विकल्प हैं राज्य एक कृत्रिम संस्था है, दूसरा है राज्य एक साध्य है, तीसरा है राज्य वर्गीय संस्था है, चौथा है राज्य अस्थाई है। कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं तो उसमें राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है, यानी कि राज्य एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, यह सही है। दूसरा, राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसमें वर्ग शोषण होता है, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण इसमें किया जाता है। तीसरा, राज्य अस्थाई है, यह भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, लेकिन राज्य एक साध्य है, यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा नहीं है। यानी कि विकल्प ख राज्य एक साध्य है, कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित कथन नहीं है। आठवां प्रश्न है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है। इसके विकल्प हैं महात्मा गांधी, माओ त्से तुंग, प्रूधो, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है प्रूधो। प्रूधो ने प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को चोरी माना है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ विचारधारा दी है और उसे संबंधित विचारकों के नाम है। पहला है बेंथम, एक व्यक्ति एक वोट,
दूसरा है जेएस मिल भारत मताधिकार, तीसरा है जीडीएच कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, चौथा है जॉन लॉक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। जब हम जर्मी बेंथम को पढ़ते हैं तो उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, जेएस मिल ने प्लूरल वोटिंग यानी कि भारत मताधिकार का समर्थन किया है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो कर देते हैं या जो योग्य हैं, उनके मत का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने जो वयस्क मताधिकार है उसका विरोध भी किया था और वो भारत मताधिकार के पक्षधर थे। तीसरा, जीडीएच कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व यानी कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव को सही मानते हैं। गौ है जॉन लॉक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, यह सही नहीं है। जॉन लॉक ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के बारे में बात नहीं की है। दसवां प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा कथन रूसो से मेल नहीं खाता है। पहला है, सामान्य इच्छा जनहित से प्रेरित होती है। दूसरा, सामान्य इच्छा सदैव विवेक सम्मत होती है। तीसरा, सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन में ही स्वतंत्रता है। चौथा है, सामान्य इच्छा सभी की इच्छा अथवा बहुमत की इच्छा है। जब हम रूसो के जनरल विल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रूसो का जो सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट है वह जनहित से प्रेरित है क्योंकि इससे जनता का भला होता है। दूसरा, रूसो यह कहता है कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह विवेक पर आधारित है यानी कि यह विवेक सम्मत है। तीसरा, सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि पहले तीन कथन सही हैं, लेकिन सामान्य इच्छा सभी की इच्छा है या बहुमत की इच्छा है ऐसा कॉन्सेप्ट रूसो के जनरल विल में शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर विकल्प घ सही नहीं है। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है। इसके विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 356 को सेफ्टी वाल्व के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना है। यहाँ पर विकल्प ख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही विकल्प है। बारहवां प्रश्न है, एनिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी थी। इसके विकल्प हैं एम एन रॉय, सी आर दास, भीमराव अंबेडकर, एम के गांधी। एनिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर विकल्प ग सही है। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपातकाल के बारे में चार स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपातकाल के बारे में सही नहीं है। पहला है, आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी। दूसरा है, आपात स्थिति की द्वितीय उद्घोषणा 1971 में की गई थी। तीसरा है, आपात स्थिति की तृतीय उद्घोषणा 1975 में की गई थी। चौथा है, आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी। जब हम पहली बात को पढ़ते हैं, पहले कथन को, आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी, यह बिल्कुल सत्य है क्योंकि वर्ष 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय यह उद्घोषणा की थी। दूसरी उद्घोषणा 1971 में की गई थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तीसरी उद्घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार जब 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, यह भी सही है। लेकिन चौथा कथन, आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी, यह सही नहीं है। आपातकाल की जो दूसरी और तीसरी उद्घोषणा थी वह 1977 में निरस्त की गई थी जब 77 में आम चुनाव की घोषणा की गई थी मार्च में, तो उसके बाद तीसरी उद्घोषणा समाप्त हुई थी। यहाँ पर दिया है कि आपात स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी, यह सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर विकल्प घ सही नहीं है। चौदहवां प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं। इसके विकल्प हैं, पहला है परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा है मूल क्षेत्राधिकार, चौथा है परामर्शकारी और अपीली क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यहाँ पर विकल्प ग सही है। पंद्रहवां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका
भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था, यानी कि 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में जो भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था उसका मुख्य प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या था। पहला है तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, दूसरा है श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, तीसरा है सिंगली और तमिलों को के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना, चौथा है तमिल मिलिटेंट ग्रुपों का वैधिकरण करना। भारत और श्रीलंका के बीच में 1987 में जो समझौता हुआ था उसका मुख्य प्रयोजन था सिंगली और तमिलों के बीच में जो सजाति विषयक संघर्ष चल रहा था उसे समाप्त करना। इसके लिए भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, हालांकि शांति सेना को भेजना भारत के लिए ही नुकसानदायक रहा क्योंकि उसके बाद तमिलों के एक ग्रुप ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। यानी कि भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजना कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कदम था। 16वां प्रश्न है आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अधिकतर निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती हैं। इसके विकल्प हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्कैंडिनेवियन देश, विकासशील देश, लैटिन अमेरिकन देश। आलमंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी विशेषताएँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से मिलती जुलती हैं। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ विचारधाराएं दी हैं, उनसे संबंधित हमको विचारक दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला है डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवहारवाद, दूसरा है डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा है जी आमंड दृष्टिकोण इसका संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, चौथा हैरल्ड लास्वेल संचार सिद्धांत। जब हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो दोनों को ही डेविड स्टर्न के द्वारा रखा गया था, यानी कि यहाँ पर विकल्प क डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवहारवाद सही है, डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद भी सही है, और तीसरा संरचनात्मक कार्यात्मक फंक्शन यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच जो है वह गैब्रियल आलमंड के द्वारा रखी गई है यह भी सही है, लेकिन घ वाला विकल्प हैरल्ड लास्वेल संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी को हैरल्ड लास्वेल के द्वारा नहीं देखा गया है, यहाँ पर जो संचार सिद्धांत यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरी है उसे कार्ल डाइस के द्वारा रखा गया है, यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरी का संबंध कार्ल डाइस से है ना कि हैरल्ड लास्वेल से। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है, यानी कि नीचे कुछ विचार दिए हैं, हमें बताना है किसका संबंध जॉन लॉक से नहीं है। पहला है संपत्ति का श्रम सिद्धांत, दूसरा है राज्य और समाज में अंतर, तीसरा है राज्य एक साधन है, चौथा है नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। जब हम जॉन लॉक की विचारधारा को पढ़ते हैं तो वह एक उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारक हैं, उन्होंने संपत्ति का श्रम सिद्धांत दिया है, राज्य और समाज में अंतर स्पष्ट किया है, राज्य को एक साधन माना है और व्यक्ति को शांति माना है, लेकिन नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं होगा यह जॉन लॉक का तथ्य नहीं है। जॉन लॉक व्यक्ति के लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी के जो नेचुरल राइट्स हैं उनको सुरक्षित करना चाहता है, यदि सरकार उनको नुकसान पहुंचाती है तो उसके विरुद्ध नागरिक क्रांति कर सकते हैं, ऐसा जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक का मानना है कि जो सरकार है वह जनता की कंसेंट यानी कि सहमति पर टिकी हुई है, यह जनता में सरकार के प्रति सहमत नहीं है, जनता सरकार को समर्थन नहीं देती है तो फिर सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर विकल्प घ नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है यह जॉन लॉक से संबंधित नहीं है। 19वां प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके विकल्प हैं विधि के शासन का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तीसरा है न्यायधारिता का सिद्धांत, चौथा है राजनीतिक परिवर्तन का सिद्धांत। स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है वह मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इस पुस्तक में सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर विकल्प ख शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्पिरिट ऑफ लॉज से संबंधित है, यह मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया है। इसके विकल्प हैं पहला है धर्म और राजनीति की समन्वय, दूसरा है सर्वोदय का विचार, तीसरा है न्यायधारिता का सिद्धांत, चौथा है दरिद्र नारायण की धारणा। जब हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उन्होंने
धर्म और राजनीति के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, धर्म के बिना राजनीति राजनीति नहीं हो सकती है, यानी कि वे धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहते थे। दूसरा, सर्वोदय का उदय का विचार, यानी कि सबका उदय होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का उदय हो, सभी वर्ग आगे बढ़े, सभी वर्गों का हित हो, यह भी उनके विचार हैं। तीसरा, न्यायधारिता का सिद्धांत, गांधी जी का मानना है कि व्यक्तिगत पूंजी होनी चाहिए लेकिन उसे ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि यह न्यायधारिता का सिद्धांत भी महात्मा गांधी से संबंधित है। लेकिन चौथा, दरिद्र नारायण की धारणा, यह महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ पर धर्म और राजनीति के भी समन्वय, सर्वोदय का विचार, न्यायधारिता का सिद्धांत, ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित हैं और दरिद्र नारायण की धारणा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानिकीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं? इसके विकल्प हैं हंटिंगटन, लुशियन पाय, ऑर्गेंस्की, आलमंड। इसका सही उत्तर है हंटिंगटन। हंटिंगटन ने इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस में इस तरह का संबंध बताया है ताकि वह राजनीतिक विकास बन सकें, यानी कि राजनीतिक संगठनों के संस्थानिकीकरण और प्रक्रियाओं के बीच में राजनीतिक विकास का संबंध हंटिंगटन के द्वारा स्थापित किया गया है। 22वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? यानी कि कौन मानता है कि जो भारतीय राजनीति है वह डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी है के बीच में संघर्ष है? इसके विकल्प हैं रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, लॉयड और सुसैन रुडोल्फ, और तीसरा है मायरन विनोर। इसका सही उत्तर है लॉयड और सुसैन रुडोल्फ। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था लॉयड और सुसैन रुडोल्फ ने माना है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिक्कों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? इसके विकल्प हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत भारत में सिक्कों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ। 24वां प्रश्न है, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षतर है? इसके विकल्प हैं सहकारिता, सामंजस्य एवं सीमित उत्पादन, दूसरा है सीमित उत्पादन और सहकारिता, तीसरा है सामंजस्य और सहकारिता, चौथा है बचत, सहकारिता और सीमित उत्पादन। इसके विकल्प हैं सामंजस्य और सहकारिता। टेलर की मानसिक क्रांति का संबंध कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से है, यानी कि यहाँ पर विकल्प ग सामंजस्य और सहकारिता सही है। 25वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? इसके विकल्प हैं अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 49 को। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 43 को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 को, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है वह प्रबंधन के विधान में कर्मचारियों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करता है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है। आज के इस प्रश्न पत्र के पहले भाग में जो कि 74वां प्रश्न पत्र है, हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया है। इसके दूसरे भाग में हम 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, हम आगे भी अन्य अभ्यास प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। आज के प्रश्न पत्र में इतना ही। धन्यवाद।